Hello everyone, myself Siddharth Sarpa, back again with today's SST classes. So we were doing some MCQ questions from chapter 1. So before doing that, I want to say something. That means tomorrow we will be discussing about the exam patterns that will be followed in this year's term 1 and term 2 examinations. What kind of questions will be coming from there, will be what kind of sections will be there, and each section will have different kinds of question. Okay, so we'll discuss that topic tomorrow. So let's move towards the today's some questions which I have come across. So today we'll be doing some assertion and reason based question, as well as some case study based questions. So I will be calling you all randomly on the screen, on the board. So any one of you can come willingly and answer the questions by reading the following paragraphs or these cases. So as you all can see, there is a small case study out here, given out here on the board. So now you all can read. The first upheaval took place in France in July 1830. The Bourbon kings, who had been restored to the power during the conservative reaction after 1815, were now overthrown by liberal revolutionaries, who installed a constitutional monarchy with Louis Philippe at its head. When Francis sneezes, Metternich once remarked, the rest of Europe catches cold. The July Revolution sparked an uprising in Brussels, which led to Belgium breaking away from the United Kingdoms of the Netherlands. So यहाँ पे क्या बोला गया है कि 1815 का जो you all know that Treaty of Vienna, after Treaty of Vienna, France में दोबारा से conservative regime जो स्थापित किया गया था, Bourbon dynasty रखा गया था फिर से, और उसके बाद फिर वहाँ पे क्या होता है, you can say first upheaval फिर फ्रांस में 1830 में होता है, ठीक है, जिसमें वो लोग क्या करते हैं, कंजर्वेटिव रिजाइम को ओवरथ्रो करके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क लाता है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल हेड किसको बना देता है, लुइस फिलिप को, ठीक है, लुइस फिलिप को बना देता है। और यही देख के ना, व्हेन फ्रांस स्नीजेस, मेटर्निक वंस रिमार्क, द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। अब इसका मतलब असर क्या हुआ कि जब फ्रांस को देखा तो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज ने भी देखा कि फ्रांस से हम लोग कुछ सीख सकते हैं। जो जुलाई रेवोल्यूशन जो हुआ है ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में, यू कैन ऑल्सो से इट एज अ रेवोल्यूशन ऑफ ब्रुसेल्स भी बोल सकते हो, ब्रुसेल्स का रिवोल्ट रेवोल्यूशन भी बोल सकते हो। उससे क्या देखा फ्रांस का, ये देख के बेल्जियम क्या किया, यूनाइटेड किंगडम्स ऑफ नीदरलैंड से क्या हुआ, अलग हो गए और अपना कंट्री इंडिपेंडेंट नेशन बन गए। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, दिस विल बी योर स्कोरिंग टॉपिक्स, ये क्या रहेंगे, स्कोरिंग टॉपिक्स रहेंगे एग्जाम में, अच्छे से पढ़ के आंसर दे सकते हो। सो नाउ व्हिच ऑफ दिस इज ट्रू विथ रेस्पेक्ट ऑफ मेटर्निक्स प्रोस्पेक्टिव अबाउट यूरोपियन नेशंस। मेटर्निक ने जो बोला था उसके आधार पे कौन सा प्रोस्पेक्ट उनके नजरिए से सही है। यूरोपियन कंट्रीज डिमीन्ड फ्रांस, यूरोपियन कंट्रीज वेर फोर्स टू अडॉप्ट फ्रेंच कल्चर, द मेजोरिटी ऑफ यूरोपियन कंट्रीज प्रसिस्टेंटली परस्यूड फ्रांस, फ्रांस वॉज एन आइडियल मॉडल ऑफ मोनार्की। एनी वन, ओके राजवीर, कम ऑन। सो डी इज इम्पॉसिबल बिकॉज फ्रांस वॉज अ मोनार्की बट इट वॉज नॉट एन आइडियल, ये मॉडल नहीं बना ना बेटा, फ्रांस तो मोनार्की के खिलाफ फाइट कर रहा है ना। सो व्हाट विल बी द आंसर, नेक्स्ट एनीवन, लास्ट चांस, इफ एनीवन सेज रॉन्ग देन आई विल टेल द आंसर। ओके कम,
ओके द मेजोरिटी ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज प्रसिस्टेंटली लगातार फ्रांस का जैसा तरीका किया था. दैट मीन्स यही हुआ ना कि यूरोप फ्रेंड फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, यानी कि फ्रांस का छींक तो बाकी यूरोप में क्या लग गया, सर्दी लग गया. ये छींक क्या है, रिवॉल्यूशन है. उस रिवॉल्यूशन को सब कोई परसू कर रहा है, देखा सीखी कर रहा है. उसका नतीजा क्या था, बेल्जियम हैड ओवरथ्रोन द बोर्बन डायनेस्टी. किसने बोर्बन डायनेस्टी को ओवरथ्रोन किया, ओके अमितेश, अमितेश That is absolutely wrong. He is from Italy. हम लोग फ्रांस का बात कर रहे हैं. He is from Italy. Okay. और okay. और पितकम. Okay. When we talk about Bourbon dynasty, that means it's a monarch. Now don't get confused. When we talk about monarch, monarch is itself a conservative design. So what will be the answer? Ottoman Empire bhi a conservative. Liberals. Liberals. Liberals were the one. You can say, remember, the new middle class. The new middle class. वो लोग क्या किए थे, न्यू मिडिल क्लास क्या हुआ था, यू कैन से फ्रेंच रिवोल्यूशन में आए थे ना, यूरोप सोसाइटी में न्यू मिडिल क्लास आए थे ना. तो एक प्रकार से नेपोलियन आने के बाद वो लोग दब गए थे, अलग बात है, लेकिन सेंटिमेंट तो नहीं गया था ना, सेंटिमेंट तो खत्म नहीं हुआ था ना, नेपोलियन आया था. यस, फिर उसके बाद नेपोलियन का कंजर्वेटिव आए थे जिन्होंने सेंसरशिप लगा दिए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि लिबरल्स को पूरी तरीके से इनहेलिएट कर दिए थे, समझ रहे हो, खत्म तो नहीं हुए थे ना, वो लोग का सेंटिमेंट था, एक ना एक दिन फिर दोबारा से उठना ही था. तो लिबरल्स ने कंजर्वेटिव को क्या किया था, सॉरी बोर्बन डायनेस्टी को क्या किया था, रिमूव किया था. वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू आर गेटिंग कंफ्यूज. The answer will be liberals. So anyone from girls, I want, who headed the constitutional monarchy? It's very simple. Okay. Muskan. Okay, good. Louis Philippe. Louis Philippe was the constitutional monarch after they had overthrown the conservative regime. Okay. Before July Revolution, Belgium was a part of. I want from girls. Before the July Revolution, Belgium kis ka ang tha? You can read it. Okay, Srishtikam. Okay, United Kingdom of Netherlands. क्योंकि July Revolution में United Kingdom of Netherlands से ही अलग हो गया था. The first upheaval took place in France in July. Udit Nath. Okay, 1830. So now here is an assertion based and reason based question. So read carefully and answer it. Two statements are given below as assertion A and reasoning R. Read the statement and choose the appropriate option. A landed aristocracy mainly spoke German. No, yahan pe landed matlab they are rich.
ओके, एरिस्टोक्रेट मतलब अमीरी होता है, मेनली स्पोक जर्मन, डोंट टेक एनी हेल्प. दिस दे डीड फॉर पर्पज ऑफ डिप्लोमेसी. ये दोनों समझ रहे, assertion मतलब जो एक दमदार होता है ना, एक अधिकार जमा के बोल रहा है ये. अब जो इसका रीजन दिया गया है, दिस दे डीड फॉर द पर्पज ऑफ डिप्लोमेसी. अब यहां पे क्या होगा, दोनों सही है, दोनों सही है, लेकिन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. दोनों सही है, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ए इज करेक्ट, आर इज रॉन्ग. ए इज रॉन्ग, आर इज करेक्ट. वॉट विल बी द आंसर? डोंट शाउट फ्रॉम देयर, एनी वन कैन कम ऑन द बोर्ड. कम अभिनव. ओके, वेरी गुड. दिस इज, ये लोग क्या बोलते थे जर्मन के बदले में? फ्रेंच. फ्रेंच बोलते थे. तो ये assertion तुम्हारा क्या है? गलत है. इज दैट क्लियर? assertion क्या है तुम्हारा? गलत है. द लैंडेड एरिस्टोक्रेसी मेनली स्पोक फ्रेंच. भले ही अलग अलग रीजन के थे, वो लोग फ्रेंच बोलते थे. एंड ये सही है, वो डिप्लोमेसी के लिए ही क्या बोलते थे? फ्रेंच बोलते, कॉमन लैंग्वेज यूज करते थे, मतलब एक एरिस्टोक्रेट फैमिलीज में. आई होप मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था, तुम लोग को याद होगा कि वो लोग छोटे थे भले यूनाइटेड थे, और वो लोग जब मीटिंग्स पार्टी वार्टी होता था तो मिलते थे, तो कौन सा भाषा यूज करते थे? फ्रेंच. इज दैट क्लियर? सो समटाइम्स दिस मे बी वेरी कंफ्यूजिंग. ओके, सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन शुड बी, यू शुड अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. रीड करो, बार बार पढ़ो, चैप्टर को भी सोचो क्या हुआ था चैप्टर में. तो ये बहुत जरूरी है. सो नाउ दिस इज, ड्यूरिंग द 1830s गुसिप माजिनी हैड सॉट टू पुट टूगेदर अ कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर अ यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक. एक यूनिफाई करने के लिए, सिंपल सी लाइन समझ रहे हो. ही हैड ऑल्सो फॉर्म्ड अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली फॉर डिसिमिनेशन. इसका मतलब होता है टू स्प्रेड. इज दैट क्लियर? ऑफ हिज गोल्स, अपना आइडियाज को क्या करने के लिए? स्प्रेड करने के लिए क्या बनाया था? यंग इटली. द फेलियर ऑफ रिवोल्यूशन अपराइजिंग बोथ इन 1831 एंड 48 मेन दैट इट मेंट दैट द मेंटल नोफेल ऑन सर्दियाना पेडमोंट अंडर इट्स रूलर किंग विक्टर इमानुएल सेकेंड टू यूनिफाई द इटालियन स्टेट्स थ्रू वॉर. इन द आईज ऑफ रूलिंग एलाइज ऑफ दिस रीजन अ यूनिफाइड इटली ऑफर्ड देम द पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस. अब इसका मतलब समझे हो या समझा दे? एग्जाम में तो हम नहीं रहेंगे समझाने के लिए, बट देखो सिंपल, यहां तक समझ में आया है? उन्होंने क्या किया, बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए मिलके, ताकि यूनाइटेड, यूनिटरी मतलब वन, मैथ में जानते यूनिटरी वन, यस, एक यूनिफाइड नेशन बनाने के लिए. लेकिन उनका क्या हुआ था? फेल हुआ था ना बेटा, ही फेल्ड. डू नो दैट? लिगुरिया वगैरह में फेल हुआ था ना, ही वॉज एक्साइल्ड. द फेलियर ऑफ रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग बोथ इन 1831 एंड 1848 में दोनों फेल हुआ था. इसका मतलब ये पूरा जिम्मेदारी अब किसको गया था? सर्दियाना पेडमोंट. अब व्हेन वी टॉक अबाउट इटली, वहां पे ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, सर्दियाना ये जो पेडमोंट है, ठीक है, उसके बाद स्पेनिश भी थे शायद, यस. सो इनमें से जो ये थे, ये जो हम लोग बात कर रहे थे, ये इटालियन प्रिंसली हाउस थे. ये क्या थे? इटालियन ही थे. ये लोग क्या थे? इटली के ही थे, समझ रहे हो ना. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, वेन गौरी केम टू इंडिया टू रूल, हु वॉज द नेटिव रूलर ऑफ इंडिया? पृथ्वीराज चौहान. एक्सक्यूज मी, इज दैट क्लियर? वैसे ही इटली वॉज डिवाइडेड इंटू वेरियस पार्ट्स. पता है ना, एक छोटा सा इटली बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किए गए थे. ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, सर्दियाना पेडिमोंट एंड स्पेनिश भी रूल कर रहे थे. तो एक ही इटली में बहुत सारे चीज थे, लेकिन ये ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग अलग एम्पायर था. ऑस्ट्रियन अब नाम से सुन रहे हो, स्पेनिश तो फिर अलग हो ही गया, लेकिन जो ये सर्दियाना पेडमोंट थे, ये लोग जो थे, एक एरिया था, प्रोविंस ऐसा था, ये जो था एक्चुअल में नेटिव रूलर ऑफ कौन? इटली के ही थे. समझ रहे बात अब कहने का मतलब? तो जब ये 1831 और 1848 में जो रेवोल्यूशनरी एक्ट था यूनाइट इटली को यूनाइट करना, वो क्या हो गया?
फेल हो गया, तब इसका जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गया, इटली को एक करने का, सर्दियाना पेडमोंट, यानी कि ये क्या थे, रूलिंग क्लास थे, कौन थे, कौन थे ये लोग, रूलिंग क्लास थे, इज दैट क्लियर, ये इटली के एक पार्ट को रूल करते थे, लेकिन ये पूरे नेटिव इटली ही थे एक प्रकार से, ठीक है, इटालियन प्रिंसली स्टेट थे ये, समझे बात को। सो टू यूनिफाई द इटालियन स्टेट थ्रू वॉर, इन द आईज ऑफ रूलिंग इलाइट्स मतलब सर्दियाना पेडिमोंट यहां पे याद करना, इन द आईज ऑफ रूलिंग इलाइट्स ऑफ दिस रीजन यूनिफाइड इटली ऑफर्ड देम द पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस। अब आज के दिन में, उस दिन में ये लोग अगर यूनिफाई करता था, ये लोग को इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी मिलता और क्या साथ साथ क्या मिलता, पॉलिटिकल डोमिनेंस भी मिलता पूरे इटली में। तो यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, देखो सिंपल क्वेश्चन बना है, गुसिप मार्जिनी वॉज दैट रेवोल्यूशनरी, एनीवन, ओके सत्यम कम, ओके इटालियन, वेरी गुड, ही फॉर्म दैट सोसाइटीज, इगलिटेरियन, अनस्टेबल, सीक्रेट, डिस्क्लोज, सीक्रेट सोसाइटीज, so now a famous society founded by Mazzini was called as, okay Bittu, Mazzini aimed at that Italy, good, unifying, who among the following failed the necessity of unifying Italy, Italy ko unify karna the revolutionary ka to bahut ichha tha, lekin aur iske ilawa kaun tha, girls, Rakhi, ओके रूलिंग क्लास, तो ये पॉइंट यहां पे बता रहा है, देखो ये रूलिंग क्लास, अब फिर तुम लोग सोच रहे हो सब कोई तो मोनार्की क्या है, सब मोनार्की तो हटाने का कोशिश कर रहे हैं सब यूरोपियन कंट्रीज में, बट यहां पे ऐसा क्यों हुआ है, इसलिए क्योंकि जब दोनों 1831-48 में रिवोल्यूशनरी जो अपराइज हुआ था वो फेल हो गया था, और ये जो हम बोले सर्दियाना पेडमोंट, ये जो था इटालियन प्रिंसली स्टेट ही थे, सो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन, रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द एप्रोप्रिएट आंसर, असर्शन में दिया गया 1834 में अ कस्टम यूनियन जोलवरिन वॉज फॉर्म एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रूसिया, द क्रिएशन ऑफ रीजन मतलब द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवे फर्दर स्टिम्युलेटेड मोबिलिटी हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड नेशनल यूनिफिकेशन, सो विच विल बी द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ए इज करेक्ट, आर इज रॉन्ग, ए इज रॉन्ग, आर इज करेक्ट, कम बी, एवरीवन शैल आई गो विद बी, दोज हु वांट बी रेज योर हैंड, B is the correct answer. Why? Both are correct. Both are correct. Both the statements are correct. ये जो जोलवरिन बनाया गया था वो प्रूसिया की इनिशिएटिव में बनाया गया था,
प्रुशिया की इनिशिएटिव पे ही बनाया गया था, और रेलवे ने तो क्या किया, फर्दर स्टिमुलेट किया मोबिलिटी, मतलब मूवमेंट भी बढ़ाया, और इकोनॉमिक इंटरेस्ट नेशनल यूनिफिकेशन के लिए भी बना। लेकिन ये दोनों किसी भी तरह से एक मतलब दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, इज दैट क्लियर? लेकिन दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इज दैट क्लियर? सो दिस वॉज द टू क्वेश्चन, टू केस स्टडीज आई अरेंज, सो वी विल बी डूइंग मोर, and tomorrow we'll have a short class on how your examination pattern will be coming up, is that clear? Into how many sections will be divided, which section will carry what kind of question, and it is sure that every question will carry one mark. I am this much aware that every question will carry one mark, everything is MCQ, that means one question one mark, but what kind of question will be there? So you got certain example, कुछ आइडिया तो मिला है कि इस प्रकार के assertions and reasons क्वेश्चन आएंगे तुम लोगों का, ये केस स्टडीज आएंगे, ठीक है? तो ये भी आइडिया आ गया है, तो उसके अलावा और क्या क्या हो सकता है हम लोग कल देखेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।